और जैसे अभी आपने बात की वर्तमान समय के साधु संतों के विषय में, जी अब अपन उतना देखिए अपन उतना क्या है, अपन इस मामले में नहीं जानते ज़्यादा, मतलब जो ना जानते तो आजकल का वर्तमान ये राजनीति, अब देखो अपने वो क्या बोलते हैं, अब वो शिला जो आई हुई है नेपाल से उसमें लफड़ा डला हुआ है, कोई नेता लफड़ा डाल रहा, अब कोई कह रहा था भैया सालक राम भगवान थे, सालक राम तो थे भगवान, नारायण तो मतलब वो थे भगवान, इसलिए थे कि जब जे सुदामा मिलने के लिए आए तो उन्होंने सालक राम का रूप उन्होंने बताया था अपना, पहले भगवान जो ना नारायण, फिर जे कृष्ण भगवान हुए, सालक राम तो थे ना जी, तो वो सालक राम की शिला वहाँ पे नदी में थी, तो इन लोगों ने मनवाया कि यार ग्रंथ कहता है कि सांवले कलर के थे और नदियां नर्मदा के अंदर थी ये शिला, इससे बन जाएगी भगवान की मतलब मूर्ति, तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप वही के संत कह रहे हैं कि इस शिला का तोड़ना नहीं चाहिए, उसको ऐसे की ऐसे बनाओ, ये भी बात सही है भाई, अगर अपन को मानना है उसको तो कोई ऐसे की ऐसी रख दो, तो जनता पूजने लगे, वहाँ के प्रमुख अतिथि जो पुजारी जी हैं, एक पुजारी जी बोल रहे कि नहीं टोड़ के बनेगी, अब जब लेके आए तो काय को टोड़ के बना रहे, जब भगवान उसमें बास है तो ऐसे ही रखो ना, जनता ऐसे ही पूजा करो, ऐसे ही हाँ ऐसे ही पूजा करो ना, क्या मतलब उसको टोड़ फोड़ करने से, अब एक बोल रहे नहीं टोड़ के बनाएंगे।